नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं प्रवीण झा। इस वक्त पूरे देश में कोरोना को लेकर कोहराम मचा हुआ है, बिहार भी इससे अछूता नहीं है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं खेल मंत्री प्रमोद कुमार जी। प्रमोद जी, पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन के अवसर पर हम अपने तरफ से और अपने बिहार सरकार के तरफ से आप पंजाब केसरी के सभी बंधुओं को के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं और आप सबों को बाबा साहेब के अधूरे सपने को साकार करने के दिशा में संकल्प लेने का हम अपील करते हैं। प्रमोद जी, आपसे पहला सवाल तो ये है कि आप कैसे हैं और कैसे अपने आप को सुरक्षित रखे हुए हैं? हम तो अपना 4KB के जो हमारा सरकारी आवास है, इसी आवास में हम यहाँ पूरे लक्ष्मण रेखा का पालन कर रहे हैं, लॉकडाउन के अंदर हैं और हम पूरे अपने क्षेत्र के लोगों से और बिहार के समस्त लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि जो लॉकडाउन का जो अपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो लक्ष्मण रेखा डाला है उसका अनुपालन कीजिए और आपके माध्यम से हम देश के अन्य राज्यों के से भी हम अपील करना चाहते हैं कि जो हमारे बिहार के कामगार मजदूर हैं, जो पंजाब के अंदर, जलंधर के अंदर, दिल्ली के अंदर, राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर, सूरत के अंदर, कई प्रांतों में जो रोजगार कामगार जो हमारे मजदूर हैं उनको भी उन राज्यों से, ऐसे तो बिहार सरकार अपने स्तर से सभी लगभग 47 नहीं तो क्या आप उन मजदूरों के लिए जो अप्रवासी मजदूर बिहार से बाहर रह रहे हैं उनके लिए क्या कोई व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से कि उनके पास वो जानकारी जाए और सरकार वो मदद करें? जी, सरकार के तरफ से हेल्पलाइन नंबर है सरकार जी, आप अगर बता दें तो ज्यादा अच्छा होगा। हेल्पलाइन नंबर अगर आप बता दें, 0612-0612-22-94204। एक और दूसरा नंबर है 2294205 और एक टोल फ्री नंबर है जो नंबर है 1800-34-56-138। और इसी तरह बिहार भवन दिल्ली में भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, वहां विपिन कुमार जी हमारे आयुक्त हैं और वहां पर भी लोगों को मदद कर रहे हैं और उसका नंबर है 0112379-2009। एक दूसरी नंबर है 2301-4326। तो इस नंबर पे लोग फोन करके वहां पर सूचना देंगे तो उनको किस रूप में मदद मिलेगी बिहार सरकार की तरफ से? वहां सूचना देंगे तो एक बिहार सरकार ने एक ऐप जारी किया है और उस ऐप पर अपना आधार कार्ड, अपना बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे तो उन लोगों को 1000 रुपया त्वरित दिया जाएगा। और हम आपको बता दें कि इस प्रकार लगभग 9 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन दिया है और इसमें से लगभग 7 लाख लोगों के पास 1000 रुपया उनके खाता में चला गया है और इस प्रकार व्हाट्सएप के भी माध्यम से और गूगल के भी माध्यम से लोग आवेदन दे रहे हैं और सरकार उनको 1000 रुपया त्वरित उनके खाता में दे रही है। अच्छा, तो कुछ ऐसे मजदूर हैं जिनका ना तो आधार कार्ड है ना ही कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है बिहार सरकार के पास जो रजिस्टर्ड होता है, उनके पास कोई नंबर नहीं है, तो ऐसे मजदूरों की मदद बिहार सरकार कैसे करेगी? बिहार सरकार का रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ उसको बिहारी है उसका आधार कार्ड होना चाहिए। मान लिया जाए जो बिहार के मजदूर तो हैं लेकिन अन्य राज्यों में रहते हैं, उनका आधार कार्ड किसी और राज्य में बना हुआ है लेकिन वो मूल रूप से बिहार के हैं रहने वाले, तो ऐसे लोगों की मदद कैसे करेगी सरकार? वो है तो वासिंदा बिहार के ही। हाँ, तो ऐसे लोग अगर जो हैं तो वे लोग के लिए इन कंट्रोल रूम में बना हुआ है नंबर, वहां वो अपना अपनी बात को रखेंगे और इसके लिए एक सुझाव नंबर भी है जो वहां सुझाव देंगे, तो
तो हमारे राज्य सरकार के अधिकारी विभिन्न राज्यों में अपना एक एक नॉमिनेट करके अधिकारियों का, और जो बिहार फाउंडेशन है, बिहार फाउंडेशन के भी माध्यम से लगभग 5 करोड़ रुपया दिया गया है, और देश के ऐसे 12 शहरों में 47 केंद्रों पर खाना बनाकर और खिलाने का काम किया जा रहा है। दिल्ली में 10 स्थान है, इस तरह सूरत में भी स्थान है, मुंबई में भी स्थान है, गुजरात के अहमदाबाद में भी स्थान है, और पंजाब में भी स्थान है। तो उन स्थानों पर हमारे अधिकारी लोग हैं, और उनके माध्यम से भी फार्म भर कर भेजा जा रहा है, तो वहां पर भी ये फार्म भेजेंगे, और वहां अगर इसके बावजूद अगर उनको कोई सुझाव देना है सरकार को, तो वो सुझाव का भी एक नंबर है जिस नंबर पर वो सुझाव दे सकते हैं बिहार सरकार को, वह नंबर है 0612221766। तो आपके माध्यम से हमें, ये मानवीय वैश्विक महामारी है, और इस महामारी में हम आपके माध्यम से देश के विभिन्न भागों में जो हमारे मजदूर कामगार फंसे हुए हैं, उनसे आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे, और वहां की सरकारों से और वहां के स्थानीय समाज सेवी और विभिन्न राजनीतिक दल के लोगों से भी अपील करना चाहेंगे। उस क्षेत्र में जहां ये काम करते थे उन उद्योगपतियों से भी अपील करना चाहेंगे कि इस आपदा के महामारी में, ये वैश्विक महामारी में, नरसेवा ही नारायण सेवा है जी। तो नरसेवा, तो क्या बिहार सरकार अन्य राज्यों के सरकार से किस तरह से संपर्क में है कि जो उनके यहाँ बिहारी मजदूर या बिहारी अन्य लोग भी जो फंसे हुए हैं, उनकी सहायता कैसे की जाए, तो सरकार किस लेवल से वो बातचीत कर रही है? सरकार वहां के जो अधिकारी हैं, देश के विभिन्न राज्यों के अधिकारियों के साथ हमारे एक एक अधिकारी उनके कोऑर्डिनेशन में है, और उनके लगातार उनसे कंट्रोल में पर उनके कंट्रोल पर अपने कंट्रोल को अटैच किए हुए हैं, और उनके माध्यम से, चूंकि आना जाना तो सब तरह का लॉकडाउन के कारण बाधित है, जी, तो ये अभी का जो व्यवस्था है, जैसे आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, इसी तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके हमारे जो अधिकारी जिन स्टेट के लिए लगे हैं, उन स्टेट के अधिकारियों से, वहां के मुख्य सचिव से, वहां के प्रधान सचिव से, हमारे मुख्य सचिव, हमारे प्रधान सचिव, हमारे सचिव स्तर के अधिकारी जो विभिन्न राज्यों को, एक एक राज्य को जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वे लगातार उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके साथ जुड़े हुए हैं, और वहां पर के और उनको कंट्रोल रूम भी दिया गया है, उस कंट्रोल रूम के जो नंबर। अच्छा, बिहार सरकार का आज ही एक फैसला आया है कि जो 15 लाख मजदूर जो वापस बिहार लौटे हैं, उनके लिए उनको मनरेगा के तहत 200 पेड़ को पानी देना है, और ऐसे में उनको 3 दिन जब वो पानी देंगे तो 1 दिन की मजदूरी मिलेगी, और वो भी मजदूरी 194 रुपये है, वो भी जब अप्रैल में 1 अप्रैल से जब 26 रुपये बढ़ाया गया, उसके बाद ये 194 रुपये हुआ है। तो ये फैसला नहीं लग रहा है सरकार का कि अगर 3 दिन के बदले 1 दिन की मजदूरी मिलेगी और वो भी 194 रुपये मात्र, तो ऐसे में उनका गुजारा कैसे होगा? देखिए, अभी बिहार सरकार ने मुफ्त राशन की व्यवस्था की है, जो भी हमारे कार्डधारी लोग हैं उनको प्रति यूनिट 5 किलो का राशन, मुफ्त राशन, और उन्हें 1 किलो दाल दिया जा रहा है, और जो भी हमारे माताएं हैं जो जनधन योजना के खाता से जुड़े हैं लोग, उनके खातों में भी रुपया जा रहे हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जो किसान सहायता है उसके माध्यम से 2000 रुपया जा रहा है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जा रहा है। तो बिहार सरकार ऐसे जो मजदूर जो घर में बैठे हुए हैं, लॉकडाउन के कारण बैठे हुए हैं, रोजी के अभाव में बैठे हुए हैं, तो उनको ये काम दिया है कि हाँ भाई चलिए, जो जल जीवन हरियाली है जी। उस अगर जल है तो जीवन है, और जीवन है तो हरियाली है, और हरियाली है
तो हमारी आपकी खुशहाली है। तो राशन आपको दे ही रहे हैं, अनुदान दे ही रहे हैं, ये आपसे कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। उसी चापाकल के बगल से पानी वृक्ष पर पटा देना, तो ऐसे ये काम तो सरकार दिया है, लेकिन अब इसमें जो है। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि बिहार के मजदूर जो पलायन कर रहे हैं, अगर बिहार में ही अगर रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाते तो ये लोग जो बाहर जा रहे हैं दूसरे राज्यों में काम करने के लिए, उनको मजबूर होकर जाना नहीं पड़ता बिहार से बाहर? देखिए, एक बिहारी सब पर भारी होता है, और बिहारी के अंदर जो हुनर है पूरे देश के अंदर, अगर 1 to 10 IAS IPS अफसर का नाम देखेंगे तो उसमें कोई ना कोई एक बिहारी बंदा। नहीं नहीं, इसमें कोई शंका नहीं है कि बिहार के लोग काफी प्रतिभावान हैं और वो बाहरी राज्यों में जाकर, दूसरे राज्यों में भी जाकर के अपना झंडा गाड़े हुए हैं, लेकिन बिहार में जब इंडस्ट्री नहीं है तो जो मजदूर तबका है वो तो पलायन करने पर मजबूर होंगे ही ना। देखिए, जो इंडस्ट्री का जो बात है, सो बिहार का इंडस्ट्रियल इलाका है और यहाँ इंडस्ट्री जो लगनी चाहिए वो इंडस्ट्री लगा हुआ है, और ये जो बिहार का जो एक अपना खेती से जुड़ा हुआ कृषि पर आधारित ये बिहार है, और कृषि पर आधारित इसकी अपनी एक मिट्टी है, अपनी भूमि है, अपनी गरिमा है, अपना इतिहास है, और बिहार के अंदर जो हुनर है वह हुनर जो है वह देश, आप गांव के अंदर, आज अपने गांव के अंदर, जहां जी आप कहां के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले से हैं, सुन लीजिए, सहरसा के हैं, तो सहरसा में अपने गांव पता कीजिए, गेहूं काटने के लिए लेबर नहीं मिल रहा है। मेरे गांव पर गेहूं का कटनी होना है और गांव से फोन आ रहे हैं कि लेबर जो है पूरी व्यवस्था के साथ दिया जा रहा है, तो बिहार के गांव में लेबर नहीं मिल रहे हैं। आप अपने नहीं, यही तो सवाल है कि बिहार के गांव में लेबर क्यों नहीं है, क्यों वो पलायन करने पर मजबूर हैं? सवाल तो यही है आपसे। सवाल है कि वह मजदूर को अपना हुनर है और वह अपने हुनर को उच्च स्तर पर प्रदर्शन करना चाहता है, वह गांव में अपने हुनर को इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, वह पंजाब के फैक्ट्री में इस्तेमाल करना चाहता है, अमृतसर के फैक्ट्री में इस्तेमाल करना चाहता है, सूरत। प्रमोद जी, आपसे सवाल यही है कि वो जब दूसरे राज्यों में जाकर फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, तो अगर आप लोग मिलकर बिहार में ही फैक्ट्री लगाए होते तो आज उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं होती? तो फैक्ट्री लगाने का जो व्यवस्था है, ये कोई जो ये जिन्होंने इस देश में 70 साल राज किया, पहले बात को सुनिए, बिहार में जो कांग्रेस ने 50 साल अकेले राज किया, 15 साल जो कांग्रेस समर्थित राष्ट्रीय जनता दल ने राज किया, उन्होंने बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर जो पुराना बीत गया मान लिया जाए, वो उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन आप लोग भी तो 15-17 सालों से सरकार में हैं, इस दौरान क्या हुआ इन 15 सालों में? इस 15 सालों में जो बिहार का आवागमन की जो व्यवस्था थी, बिहार की विद्युत की व्यवस्था थी, बिहार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का सुधार हुआ है। अब बिहार से बाहर के लोग यहाँ उद्योग लगाने के लिए आ रहे हैं और इस दिशा में सरकार भी पहल कर रही है, और आपको बता दें कि बिहार सरकार ने गन्ना विभाग का मोतीपुर के अंदर, सुगौली के अंदर और भी कई गन्ना निगम का जो जमीन था, उस जमीनों को ऑप्शन पर डाला है कि जो उद्योगपति उद्योग लगाना चाहते हैं वे आकर बिहार में उद्योग लगा सकते हैं। ऐसा बिहार सरकार ने उद्योग के दिशा में पहल किया है और कई उद्योगपति आए भी हैं, हाजीपुर के अंदर आए हैं और भी कई स्थानों पर। हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि आप लोग कम से कम बिहारी मजदूरों के लिए इतना काम कर दीजिए कि उनको पलायन करने पर मजबूर ना होना पड़े। और आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप क्या अपील करना चाहेंगे ऐसे वक्त में जब कोरोना जैसे महामारी से पूरा देश ही नहीं पूरे विश्व में इसकी मार पड़ रही है, तो ऐसे में आप बिहार की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम ऐसे में आपके माध्यम से बिहार की जनता से करबद्ध प्रार्थना और निवेदन करना चाहेंगे कि जो जहां है
लॉकडाउन लक्ष्मण रेखा का पालन करें, प्रधानमंत्री के बताए दिशा निर्देशों का पालन करें और जो राज्य सरकार जो उन्हें अनुदान दे रही है उस अनुदान का लाभ ले। और विभिन्न प्रांतों के सरकारों से भी मैं अपील करूंगा कि जहां जहां हमारे बिहारी हैं उन बिहारियों को सम्मान के साथ उन्हें खाना खिलाएं और उनकी जो भी व्यवस्था है हमारे राज्य सरकार के अधिकारी वहां पहुंचे हुए हैं, वो संपर्क में हैं, उनको वो अपना बिल बना कर दे। और पूरे देश पैमाने पर बिहार फाउंडेशन के हमारे जो सरकारी संस्थान है इसी संस्थान का लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी संपर्क में आवे और इस लॉकडाउन का पालन करें। कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। और कोरोना को जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी जी, आपको भी बहुत बहुत। भारत सरकार के कला एवं संस्कृति मंत्री प्रमोद जी का कहना है कि जो लोग बिहार से बाहर प्रवासी मजदूर हैं वो निश्चिंत रहें, बिहार सरकार उनके लिए तत्पर है, काम कर रही है और उनके पास सहायता पहुंचाई जा रही है। जो दर्शक अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।